इदा जा नसरुल्लाहि वल फत, जब अल्लाह की नुसरत और मदद आ जाए, कामयाबी कामरानी आ जाए, आपे से बाहर नहीं होना, इतराना नहीं, गलत कदम नहीं उठाना, याद रखना हिकमत और दानाई का सबूत देना चाहिए। इदा जा नसरुल्लाहि वल फत वराइतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, लोगों को देखोगे कि दा वो चौक जमात दर जमात, चौक दर चौक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो इतराना नहीं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अल्लाह की तस्बीह और तहलील करो, ईमान व अकीदा को मजबूती के साथ थामो, अल्लाह की इबादत की तरफ लपको, नेक आमाल किया करो, अच्छे अखलाक व किरदार का मुसाहरा करो, किसी के जज्बात को ठेस ना पहुंचाया करो, किसी को ललकारो मत, और किसी के इज्जत पर तुम हमला मत किया करो। याद रखो मेरे भाइयों, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अल्लाह को याद करो, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये मुकाम दिया है। हाँ, और हाजियों को कहा गया फैदा कदई तुम मनासिका कुम फद करुल्ला, जब तुम मनासिक के हज को पूरा कर लो, अल्लाह को याद करो, तुम माफी दो मिन है तो आफाद नास वस्तगफिरुल्लाह, जब तुम इफादा करके लौटो तो क्या करो, वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के सामने तौब इस्तगफार करो। नमाजी नमाज से सलाम फिरने के बाद अल्लाह की किबरियाई बयान करके अल्लाहु अकबर वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। हाँ, ये नहीं मैं बहुत हाजी गाजी नमाजी बन गया हूं, याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाहु अकबर। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाह फला मुदिल्ला ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون حاضرین گرامی ख्वातीन मिल्लत, खुतबा मसूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सबसे आखिर में उतरने वाली आयत पढ़ी है। आयत के एतबार से सबसे आखिरी आयत है ये सूरतुल बकारा की आयत नंबर 281 यानी
280 पर एक 281 सबसे आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने जो पैगाम दिया ये शुरू से आखिर तक तमाम तालीमात इस्लामी का खुलासा है। आइए मैं आज आपके सामने इस आयत को मद्देनजर रखते हुए चंद अहम पैगामात लेकर हाजिर हुआ हूं, मालूम करते हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत में जो पैगाम दिया है वो ये, अल्लाह ने फरमाया वत्तकु यौमा, उस दिन से डर जाओ, उस दिन से डर जाओ। वत्तकु यौमा तुरजाउना फीही इलल्लाह, जिस दिन तुम सब के सब अल्लाह के पास लौटाए जाओगे, तुम सब अव्वल ता आखिर सब के सब अल्लाह के पास लौटाए जाओगे, उस दिन से डर जाओ। वत्तकु यौमा तुरजाउना फीही इलल्लाह थुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून, फिर उसके बाद हर नफ्स को उसके किए धरे का पूरा पूरा बदला मिलेगा, जरा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। जो भी किए हो जिंदगी में, सारी जिंदगी अव्वल ता आखिर पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ेगा, उस दिन से डर जाओ। और उस दिन को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के पहले सूरे में मालिक यौमिद्दीन कहा है कि अल्लाह जो यौम जजा और सजा के दिन का मालिक है, वो अल्लाह ताला उस दिन का तनहा मालिक और खालिक है जिस दिन कोई किसी का काम आने वाला नहीं है। हाजरीन, पिछले खुतबे के ततिम्मा के तौर पर और हालात और माहौल को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस आयत का इंतखाब किया है, वो इसलिए इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से आज इस्लामी कैलेंडर 1445 के सिर्फ दो या एक दिन बचके हैं। एक साल खत्म हो रहा है और दूसरा साल शुरू हुआ चाहता है। एक साल हिजरी साल हमें क्या पैगाम देता है, अल्लाह ताला ने इस आखिरी आयत में वो सारा पैगाम दे दिया है जो किसी भी माह और साल के इख्तिताम के लिए पैगाम है, किसी भी साल के इख्तिताम का पैगाम है, किसी भी इबादत के इख्तिताम का पैगाम है। हुज्जाज कराम हज से फारिग होकर लौट रहे हैं, इसके लिए भी पैगाम है। हम बहुत सारे इबादत करके ख़त्म किए, हमारे लिए भी पैगाम है। एक साल ख़त्म हो रहा है, हमारे लिए पैगाम है। एक साल में हमने क्या क्या देखे हैं, कितनी हुकूमतें बनी, कितनी हुकूमतें बिगड़ी, कितने की बिगड़ियां बनी और कितनों के जो है बनी बनाई चीजें बर्बाद हुई, कितने लोग वफात पाए, कितने बच्चे जन्म लिए और क्या क्या हवादिस और गर्दिश अय्याम हमने देखे हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये गर्दिश अय्याम है, हम लोगों के दरमियान इनको घुमाते फिराते हैं, दिखाते हैं ताकि इंसान इबरत हासिल करे। इन्ना फी खल्क समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लायातिल लिल अलबाब, अकलमंदों के लिए निशानियां है, इबरत है। आमतौर से होता क्या है, दुनिया वालों की सोच ये साल के आखिर में हम खुशी मनाते हैं और नए साल के आगाज में खुशी मनाते हैं। रात के 12 बजते ही दुनिया सारी तरह के गुनाहों में मासियतों में मुलाफिस होती है और अल्लाह की नाफरमानी के साथ खुशियां मना के मौज मस्तियों के साथ नए साल का आगाज और पिछले साल को अलविदा कहते हैं। ये दुनिया वालों की सोच है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये कहते हैं नए साल का आगाज मुहर्रम से होता है और मुहर्रम में खुशी मनाना नहीं, नए काम करना नहीं। अभी दो चार दिन पहले एक फोन आया, पूछ रहे थे मसला कि मुहर्रम में निकाह की डेट फिक्स कर सकते कि नहीं। और आप लोगों के जरिए से आप पूछें, अल्हम्दुलिल्लाह
ये आपका हक है और हमारी जिम्मेदारी है आपको बताना, और इसी से हमें मवाद भी मिलता है, और आपकी इसलाह के लिए हमारी ये जिम्मेदारी है, हम आपके सामने बातें रखते हैं। इससे ये ना सोचे कि भाई आइंदा से पूछना नहीं, आप पूछिए तभी तो हमें पता चलेगा। और उसके बाद जब डॉक्टर को मर्ज के बारे में पता चले तो मर्ज की तशखीस करके वो सही इलाज आपको बताता है, फिर आप शिफायाब हो जाते हैं। यही तो है कि आपकी दीनी एतबार से उसका इलाज करना हमारी जिम्मेदारी है, कि आपको बताना हर चीज को अमानतदारी के साथ हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह से डॉक्टर मर्ज का पता नहीं चला, गलत इलाज कर दिया, वो जिम्मेदार है, तो हम भी इसी तरह से जिम्मेदार हैं। और इसी तरह से डॉक्टर को मर्ज का पता चल गया, फिर सही इलाज नहीं किया, छुपाया इलाज को, तब भी वो जिम्मेदार और हम भी जिम्मेदार। याद रखिए मेरे भाइयों, ये मुहर्रम के महीने में कुछ लोग सोग मनाते हैं, मातम मनाते हैं, नए साल के आगाज में खुशियां नहीं मनाते हैं, और कुछ लोग तो खुशियां ही खुशियां मनाते हैं। इस्लाम क्या कहता है, आइए मैं आपको बताता हूं कि इस्लाम क्या कहता है। याद रखिए मेरे भाइयों, इस्लाम एक नेचुरल मजहब है ना, एक फितरी मजहब है, नेचुरल रिलीजन है। इंसान, इस्लाम ने इंसान के नेचर का हर चीज का ख्याल रखा है। इंसान नेचुरली खुशी कब मनाता है, जब कोई खुशी की घड़ी उसको मिले, बड़ी कामयाबी उसको हाथ लगे, या बहुत बड़ी मुसीबत को सर कर लिया, पार कर लिया, चलो रे बाह अल्लाह बच गया हूं, भला टली मुसीबत गई, हाँ तब खुशी मनाता है। अब बताइए इस्लामी त्योहार से आपको सबसे बड़ी कामयाबी कब मिलने वाली है, आखिरत में। आपको पता है, आपको पता है कि आखिरत में कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और इसी तरह से गम मनाना भी इस्लाम ये नहीं कहता कि हमेशा गम में रहो, नहीं, इस्लाम क्या कहता है, याद रखिए मेरे भाइयों, सूरह सजदा जिसकी तिलावत फजर की रकात में, पहली रकात में होती है जुमा के रोज, अल्लाह ताला ने निकोकार बंदों के ताल्लुक से फरमाया, वो क्या करते हैं, तताजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ यदउन रब्बहुम खौफा व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। अल्लाह के निकोकार बंदे अल्लाह ताला की कायनात में जिक्र करते हैं, फिक्र करते हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं, रातों में उठकर नरम गरम बिस्तरों को छोड़ के इबादत के लिए आते हैं, जागते हैं, और हमारा मामला यह है कि हम ज्यादातर सोते हैं फजर के वक्त में। तताजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ यदउन रब्बहुम, अपने रब को पुकारते हैं, कैसे पुकारते हैं, ये मोमिनाना शान है, ये इस्लाम की बात है, ये इस्लाम की सोच है, यदउन रब्बहुम खौफा व तमअ, अल्लाह से खौफ भी है और अल्लाह की मगफिरत और जन्नत की उम्मीद भी है। ईमान इसी का नाम है, अल ईमान बैन अल खौफ व रजा, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान का नाम है। अल्लाह का खौफ भी हो, अल्लाह से उम्मीद भी हो, बेखौफ हो जाना भी गलत है और इसी तरह से मायूस हो जाना भी गलत है। हर वक्त आदमी मायूस होकर गम में रहे ये भी गलत है, और इसी तरह से हर वक्त खुशियां मनाए ये भी गलत है। याद रखिए असल खुशी आखिरत की खुशी है, असल उम्मीद आखिरत की उम्मीद है। अल्लाह अकबर, सलफ कहते हैं, क्या बड़ी बात है, इस आयत की रोशनी में इसको गौर से सुने। सलफ कहते हैं, इब्ने अब्बास गालिबन कहते हैं कि याद रखो, मोमिन जिंदगी भर डर रखता है अल्लाह का। क्या रखता है, जिंदगी भर मोमिन अल्लाह का डर रखता है, और मौत के वक्त में मोमिन को अल्लाह से उम्मीद होती है, अल्लाह की मगफिरत की उम्मीद होती है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये जो वस्फ है ये मोमिनाना वस्फ है, यही इस्लाम का पैगाम है, जिंदगी भर अल्लाह से डरो, मौत के वक्त में अल्लाह से उम्मीद रखो, और मौत के वक्त में अल्लाह से उम्मीद
कब होगी, कैसे होगी, ये बिलाल हबशी का वाकया मैंने बारह आपको बताया है कि मौत के वक्त में चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्या उम्मीद है। लोगों ने पूछा कि बिलाल मौत के वक्त में चेहरे की मुस्कुराहट क्या बात है, का गदन अलका अहिब्बा, गदन अलका अहिब्बा, वो महबूब से कल मिलने जा रहा हूं। वो अल्लाह गैब के पर्दे में सजदा किया, अहद आग के नारा लगाने से मेरे मुझको संगलाक वादियों में घसीटा गया, मेरे सीने पे पत्थर रखा गया, जिंदगी पर तकलीफ उठाया, वो महबूब से मिलने जा रहा हूं। वो नबी महबूब है उनसे मिलने जा रहा हूं। महबूबों से मुलाकात होती है मौत के बाद, ये कब होगा, जब जिंदगी भर बिलाल की जिंदगी को याद करो। वत्तकु यौमन तुरजाउना फीही इलल्लाह, उस दिन से जड़ जाओ जिस दिन अल्लाह के पास तुम लौटाए जाओगे, और फिर हर एक को उसके किए धरे का बदला मिलेगा। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून, ये आखिरी पैगाम है मेरे भाइयों, याद रखना आखिरी पैगाम है। अल्लाह ने पैगाम नबी को कब दिया, हाजी लोग सुन ले, हद से आ रहे हैं। अभी मैं कोलकाता, कल कोलकाता में था, कोलकाता के एयरपोर्ट में मैंने देखा है हाजी लोग आ रहे हैं, तो लोग हार से, पता नहीं फूल के हार से उनके गले में पहना रहे और क्या क्या कर रहे हैं, तमाशा बना रखे हैं। हाजी लोग आ रहे हैं उनको ऐसा गोया कि उनकी इबादत हो रही है, कोई पैर छू रहे, कोई गले मिल रहा है, ठीक है गले मिले, लेकिन कोई हार से इस्तकबाल कर रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हाजरीन याद रखिए, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने क्या पैगाम दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज किए, हज से वापस हो रहे थे, हज में अल्लाह ताला ने ये आयत अरफा के मैदान में नाजिल फरमाया, اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا। यह आयत अरफा के मैदान में नाजिल हुई कि दीन को मुकम्मल कर दिया गया, नेमत मुकम्मल है, दीन इस्लाम मुकम्मल है, अब इसमें कोई रखना नहीं डालना है, कमी बेशी नहीं है, इसमें कोई बिदात और खुराफात नहीं है, शिर्क और बरबरियत नहीं है। फिर नबी ने अरफा के मैदान में एक आलमी खुतबा इरशाद फरमाया, आलमी मंशूर है, दुनिया वालों के लिए बेहतरीन पैगाम है, हाकिम वक्त के लिए भी, महकूम के लिए भी, हुकूमत कैसे चलाना, सरदारी कैसे चलाना, तालीम कैसे हासिल करना, समाज और सोसाइटी कैसे होना चाहिए, समाज में क्या क्या बातें होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये मुस्तकिल मौजू है, मुस्तकिल मौजू है खुतबाए हज्जतुल वदा। हज्जतुल वदा का जो पैगाम है, बेहतरीन पैगाम आपने दिया है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज से वापस हो रहे थे, रास्ते में जब आप मदीने से करीब हुई ये आयत, करीब हुई ये आयत नाजिल हुई, वत्तकु यौमा, अल्लाह अकबर, नबी से कहा जा रहा है, सहाबा इकराम से कहा जा रहा है, जिंदगी भर तकलीफ उठाएं, परेशानी उठाएं, हज करके वापस जा रहे हैं, हाजी लोग याद रखो, वत्तकु यौमा, उस दिन से डरो, उस दिन से डरो सारे इंसानों, उस दिन से डर जाओ। वत्तकु यौमन तुरजाउना फीही इलल्लाह, हर एक को लौट के जाना है, हाकिम को, महकुम को, बड़े को, कमजोर को, ताकतवर को, सबको, बच्चे को, बूढ़े को, कैसे कैसे लोग वफात पा जा रहे हैं, जान जवान वफात पा जा रहे हैं, बच्चे बच्चे वफात पा जा रहे हैं, कब किसकी आवाज आ जाए, पुकार आ जाए, कोई बोल नहीं सकते हैं, याद रखो। इसीलिए वत्तकु यौमा, उस दिन से डर जाओ, उस दिन से डर जाओ, नबी से, सहाबा से कहा जा रहा है, तुरजाउना फीहि इलल्लाह थुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, जो भी कर रहे हो पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ेगा, यहां किसी को जवाब देना हो या ना हो अल्लाह को जाकर जवाब देना पड़ेगा। और ला तुज़लमून, जरा बराबर भी जुल्म नहीं, हर एक को पाई पाई का हिसाब मिलेगा। और ताज्जुब के मारे में कहेंगे, माली हादल किताब, या अजीब किताब है नामा या आमाल, माली हादल किताब, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ना छोटी सी छोटी चीज, ना बड़ी सी बड़ी चीज किसने छोड़ा है, सब कुछ हिसाब करके रखा है इसने, अहसाहा, सब काउंट करके रखा है, वहां जाकर हिसाब देना पड़ेगा। नबी के लिए यह आयत नाजिल हुई, सहाबा के लिए, हमारे और आपके लिए पैगाम है मेरे भाइयों, हाजियों के लिए पैगाम है। और फिर एक साल हमने गुजार दिया है, हमारे लिए भी पैगाम है, यह हिजरी साल हमने खत्म किया है,
एक साल खत्म होके दूसरा साल आ रहा है, क्या पैगाम है, क्या पैगाम है। और हम कव्वा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, हम तो अपने कैलेंडर को ही फरामोश कर दिए। अब दूसरों की तारीख हमें याद है, उनके साल हमें याद है, अपना हमें याद नहीं है। याद रखिए मेरे भाइयों, मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं, इस मुल्क के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, फ्रीडम फाइटर और बेहतरीन अहले हदीस आलिम है, वो लिखते हैं, याद रखो, किसी भी कौम की तारीख और सना उसकी बुनियाद की एक ईंट होती है, बुनियाद की एक ईंट होती है, जिसका ताल्लुक उसके सना और उसके साल से नहीं है, बुनियाद के ईंट से उसका ताल्लुक नहीं है। कितने इबादत ऐसे हैं जिनका ताल्लुक माओ साल से, तारीख से है। याद रखिए, तारीख को फरामोश करना अपनी बुनियाद की ईंट को फरामोश करने के बराबर है। हिजरी कैलेंडर हमें क्या पैगाम देता है, मैं उसकी खसूसियत नहीं जाऊंगा, आगाज कब हुआ नहीं जाऊंगा, क्योंकि लंबा मौजू है। मैं आपको आज वत्तको यौमन तुरजाउन फीही लल्लाह इस आयत की रोशनी में पैगाम देना चाहता हूं। हाजरीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, और हिजरत से यह हिजरी कैलेंडर है। हिजरत का क्या पैगाम है मेरे भाइयों, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए, उमर रजी अल्लाह ताला अनु के फैसले पर जब उनके सामने ये बात रखी गई, अबू मूसा अशारी जो यमन के गवर्नर थे, उन्होंने 16 हिजरी में, नबी का इंतकाल हुआ 10 हिजरी में, 16 हिजरी में ये पैगाम दिया, यानी उमर रदी अल्लाह ताला अनु की खिलाफत के 1.5 साल गुजरने के बाद। अबू बकर 2.5 साल रहे और इस 16 की बात है, तो 1.5 या 2.5 साल गुजरने के बाद का वाकया है। अबू मूसा अशारी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपके बहुत सारे खतूत आते हैं और उसमें कोई डेट नहीं होती है, क्योंकि सहाबा इकराम गैरों की तकलीद नहीं करते थे, गैरों की डेट नहीं लिखते थे, हाँ उसमें कोई डेट नहीं होती है। जब ज्यादा खतूत हो जाते हैं, पता नहीं चलता कौन सा हुक्म पहले का, कौन सा हुक्म बाद का, हमें डेट मुतय्यन करना चाहिए। उमर ने कहा अच्छा मशवरा, इसीलिए चाहे बड़ों को भी चाहिए के अच्छा मशवरा दे तो मशवरा कबूल करो, हाँ मशवरा कबूल करो, अच्छा मशवरा। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने शूरा कमेटी बिठाई और उसके बाद मशवरा किए, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मशवरा दिया, लेकिन हजरत उमर को हिजरत का वाकया पसंद आया। उन्होंने कहा नहीं, हिजरत से हम आगाज करेंगे, टर्निंग पॉइंट हिजरत को बनाएंगे। क्यों हिजरत, याद रखिए मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने, आपको सताया गया, मारा गया, पीटा गया, आपके सहाबा इकराम को मारा गया, पीटा गया, सताया गया, तरसाया गया, काटा गया, हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबर किए। और याद रखो, ईमान, नेक अमल, अखलाक हसाना और सोशल एक्टिविटीज, याद रखो इन पैगामात को, याद रखो ईमान, अकीदा तौहीद, नेक अमल में अखलाक हसाना, सोशल एक्टिविटीज, दूसरों के काम आना, मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही करते रहे। मैं दलील देता जाऊं, बहुत दूर तक बात जाएगी, आपकी इशारा कर रहा हूं, हाँ शुरू में आज हमें यह अपनाना कि क्या ईमान, अकीदा तौहीद, नेक अमल, अखलाक सालिहा और दूसरों के काम आना, सोशल एक्टिविटीज, और साथ ही साथ फिजा माहौल कायनात को पाक साफ रखना, अल्लाह की इबादत करना, यही हमारे लिए सब्र और तहम्मुल। इसके जरिए से नबी कामयाबी हासिल किए। मक्के के बाद आप हिजरत करके मदीना गए, मदीना जाकर मुस्ताकम हुकूमत कायम हुई, कब, याद रखो मदीने के 13 साल जिंदगी को याद रखो, और नबी के हिकमत अमली को याद रखो, सहाबा इकराम ने क्या 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 याद रखो। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्ताकम हुकूमत कायम किए, सारे फितने फसादात को खत्म किए, आप हज्जतुल वदा करके वापस जा रहे हैं, आप पर आखिरी सूरह, मुकम्मल सूरह जो नाजिल हुआ है यह है, याद रखो, इदा जा नसरुल्लाहि वल फत, आयत आखिरी है, मुकम्मल सूरह यह है, इदा जा नसरुल्लाहि वल फत, जब अल्लाह की नुसरत और मदद आ जाए,
कामयाबी कामरानी आ जाए। आपे से बाहर नहीं होना, इतराना नहीं, गलत कदम नहीं उठाना, याद रखना हिकमत और दानाई का सबूत देना चाहिए। इदा जा नसरुल्लाह वल फत और आयतन्ना सयदखुलूना फी दीनिल्लाह अफवाजा, लोगों को देखोगे कि दा वो जौक और जमात दर जमात, जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। तो इतराना नहीं, फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अल्लाह की तस्बीह और तहलील करो, ईमान और अकीदा को मजबूती के साथ थामो, अल्लाह की इबादत की तरफ लपको, नेक आमाल किया करो, अच्छे अखलाक और किरदार का मुजाहरा करो, किसी के जज्बात को ठेस ना पहुंचाया करो, किसी को ललकारो मत और किसी के इज्जत पर तुम हमला मत किया करो। याद रखो मेरे भाइयों, फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अल्लाह को याद करो, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये मुकाम दिया है। हाँ, और हाजियों को कहा गया फैदा कदई तुम मनासिकाकुम फदकुरुल्लाह, जब तुम मनासिक हज को पूरा कर लो अल्लाह को याद करो, तुम माफिदु मिन हैथु अफादन नास वस्तगफिरुल्लाह, जब तुम इफादा करके लौटो तो क्या करो वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के सामने तौब इस्तगफार करो। नमाजी नमाज से सलाम फिरने के बाद अल्लाह की किबरियाई बयान करके अल्लाह अकबर वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। हाँ, ये नहीं मैं बहुत हाजी गाजी नमाजी बन गया हूं, याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हमारी ईदों में ही तकबीरात अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, मेरा कोई कमाल नहीं है। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी में यह पैगाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके वापस जा रहे हैं, हज किए, मुस्ताकम हुकूमत कायम किए, फिर उसके बाद लोग जमात दर जमात इस्लाम में दाखिल होते चले गए, इस्लाम का बोलबाला हुआ, क्या इस्लाम फैला हर चार जानिब, क्या इस्लाम का बोलबाला हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फितने में मुब्तला हो गए, एक लफ्ज याद रखो, फितना, फितने में मुब्तला हो गए, और उसके बाद आज हमारी जो हालत और स्टेटस है ये। हाँ, याद रखिए मेरे भाइयों, मैंने आपको ये समझा दिया, उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने हिजरत को क्यों रखा, याद करो मुसलमानों, हर साल के हिजरी साल के आखिर में और आगाज में तुम्हें अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद रखना है, साहबा किराम को मारा गया, पीटा गया, तरसाया गया, तड़पाया गया, तुम्हें भी दीनों इस्लाम के खातिर किया जाएगा, लेकिन इस्तकामत के सबूत देना, आपे से बाहर नहीं होना, दीन बेजार नहीं होना, दीन दार बनना है, अगर दीन और इस्लाम की खातिर तुम्हारी आजमाइश हो, दीन बेजार नहीं और दीन दार बनना है, अल्लाह की तरफ लौटो, वत्तको यौमन तुर जाओ ना फी ही लल्लाह। हाँ, याद रखो ये दुनिया है छे, दुनिया के साजो सामान है छे, अल्लाह के पास लौट के जाना है, दुनिया की मुसीबतें बेकार है, दुनिया की तकलीफें है छे, दुनिया की नेमतें है छे, अल्लाह के पास लौट के जाना है, इसलिए याद रखो ये पैगाम है मेरे भाइयों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पैगाम दिया गया, उमर ने भी यही पैगाम दिया कि हिजरी साल के आगाज में इख्तिताम पे तुम्हें असलाफ की कुर्बानियों को याद रखो, क्या क्या हिजरत के मौके पे कुर्बानियां दिए, सलफ सालिहीन लिखते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं, आदम अलैहि सलाम से लेकर ईदम तक और क़यामत की सुबह तक की सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे बड़ी सैक्रिफाइस अगर हो सकती है वो है हिजरत की कुर्बानी, हिजरत की कुर्बानी, तन मन धन वतन औलाद रिश्तेदार अकारिब जमीन जायदाद हर चीज की कुर्बानी दी है, अल्लाह अकबर, कुर्बानी देकर जब मदीना पहुंचे अल्लाह की आजमाइश देखो, अबू बकर उमर दूसरे लोगों को बिलाल सबको सख्त बुखार, सब बीमार, जितने लोग हिजरत करके गए थे सब बीमार, और बीमारी का हाल यह था, अबू बकर के पास आकर कोई यादत करते हुए कह रहा अबू बकर क्या हाल है, तो अबू बकर कह रहे हैं मौत तो जूते के तस्मे से ज्यादा करीब है, यानी उनको ये 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 ये, ये यकीन होने लगा कि शायद मेरी मौत आ जाए, इतने परेशान थे। याद रखो दीन की ईमान की आजमाइश होती है, अल्लाह आजमाता है उसके बाद अल्लाह ताला मौका देता है, फिर उसके बाद नबी ने दुआ की हर दिन सुबह उठ के दुआ करो,
اللهم بارك في مدنا وسعينا, اللہ نے کہا کہ اللہ تعالی اللہ کے رسول نے دعا کی اللہ تو ہمارے مدینے میں برکت دیں اور مدینے کے مد اور سا میں برکت دیں, اللہ تعالی مدینے کو ہمارے لیے مکے سے زیادہ محبوب بنا دیں. اللہ اکبر. اس کے بعد دیکھو مدینہ سب کے لیے محبوب, آج ہر مسلمان کے بچے بچے کے دل میں مدینے سے محبت ہے نا, یہ نبی کی دعا ہے یاد رکھو, اور مدینے کی یہ برکتیں ہیں یاد رکھو. یاد رکھے میرے بھائیو, یہ سارا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, ہجرت کی قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے, یاد رکھنا ہے, اور ہمیں اصل کامیابی اللہ کے پاس ملنے والی ہے. کامیابی اس وقت آخرت میں جا کے خوشی منانا ہے, یہاں نئے سال میں مبارکبادی نہیں ہے اور نہ ہی غم منانا نہ خوشی منانا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہاں سیلف اکاؤنٹبلٹی ہونی چاہیے, خود احتسابی ہونی چاہیے, ہم نے کیا پایا کیا کھویا ہے, ماضی سے عبرت حاصل کرو اور فیوچر کے لیے پلان کیا کرو. اور شاعر کی زبانی, آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر. سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ کیوں ہمیں اردو ہی معلوم نہیں ہے نا, اردو ہی معلوم نہیں. مجھے پکا معلوم ہے کہ 99% لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہے یہ. ہاں یہ ہماری حالت ہے میرے بھائیو, یہ ہماری حالت ہے. شاعر کہہ رہے ہیں آؤ میں تم کو بتاتا ہوں امتوں کی تقدیر کیا ہے, ان کے عروج و زوال کی داستان کیا ہے, ان کی ہسٹری اور تاریخ کیا, میں بتاتا ہوں تم کو ایک جملے میں. شمشیر و سینہ اول, شروع میں کیا ہے شمشیر و سینہ, محنت کرنا کوشش کرنا جفا کشی اور عرق ریزی پسینہ بہانا تکلیف اٹھانا, آرام سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک اثر یہ حدیث نقل فرمائی, لا استطاع العلم براحت الجسم, جسم کو آرام دے کے علم ملنے والا نہیں ہے. یاد رکھو علم ملنا ہے. فارسی کا شاعر کہتا ہے چو شما اس پائے علم باید گداد, بے علم نا توا خدا را شناخت. علم کے لیے موم کی طرح پگھلو. مسلمان نوجوانوں کہاں ہو تم لوگ, تم کہاں کہاں ڈل رہے ہو, تم ڈرگز کے عادی ہو, نشے کے عادی ہو, وقت ضائع کر رہے ہو, ویلنگ کر رہے ہو, ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, وقت کو ضائع کر رہے ہو, کہاں تمہاری جوانی برباد ہو رہی ہے, تم قوم کے فیوچر ہو. یاد رکھو کسی بھی قوم کے نوجوان اس قوم کے آئیڈینٹیفیکیشن ہے, آئیڈینٹی ہے, شناخت اور پہچان ہے. جس قوم کے نوجوان لکھے پڑے ہیں وہ قوم لکھے پڑی شمار ہوتی ہے, جس قوم کے نوجوان آگے ہیں وہ قوم آگے ہیں, جس قوم کے نوجوان کاروبار اور تجارت میں آگے ہیں وہ قوم کاروبار اور تجارت میں آگے ہیں, جس قوم کے نوجوان دیندار ہیں وہ قوم دینی اعتبار سے آگے ہیں, جس قوم کے نوجوان دنیاوی اعتبار سے آگے ہیں وہ قوم دنیاوی اعتبار سے آگے ہیں. یاد رکھو نوجوان کسی بھی قوم کی پہچان اور شناخت ہے, آئیڈینٹی ہے. اور آج مسلم نوجوانوں کا یہ حال ہے, غیر ہمیں آئینہ دکھاتے اور کہتے ہیں کہ آپ کے نوجوانوں کا یہ حال ہے, آپ ذرا بتاؤ ان کی اصلاح کرو, یہ دیکھو کیا حال ہے. ڈرگز لینے والے مسلم نوجوان زیادہ, غلط کام کرنے والے مسلم محلے میں زیادہ, کیا تماشا بنا رکھے میرے بھائیوں. یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ پیغام ہے کہ ہجری سال ہجری کیلنڈر کے آغاز و اختتام کا یہ پیغام. آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر, اور آخر میں کیا ہے, طاؤس کا مطلب مور, طاؤس کا مطلب مور. ہاں مورنی کے پر دل آ گیا نوجوان برباد ہو گیا. یاد رکھو اپنے رباب دکھانا ہے, جیب میں نہیں 10 روپیہ 10 کروڑ کی سٹائل مارتا ہے دکھاتا ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں تم اپنی حقیقت کو پہچانو, نوجوانوں پہچانو حقیقت کو. اور شاعر پھر یہ کہتا ہے اس کا جواب میں, کر بلبل وہ طاؤس کی تقلید سے توبہ, بلبل اور طاؤس کی تقلید سے توبہ کر, بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ. طاؤس مور کے پاس کیا ہے, رنگ ہے,
पैर देखो तो आपको खाना नहीं आंदा हजम होगा। हाँ, पैर की यह हालत, रंग है, चमक दमक है, और बुलबुल का यह हाल, कालो कलोटा, उसकी आवाज अच्छी है। आज दुनिया की आवाज आपको लुभाने वाली है। आज दुनिया की रंगीनिया, रानाइया, चमक चमक के पीछे दुनिया भाग रही है। कर बुलबुल वो ताऊस की तकलीद से तौबा। बुलबुल फकत आवाज है, ताऊस फकत रंग। ये दुनिया की हकीकत है मेरे भाइयों। मैं आपको बहुत मुख्तसर में समझा दिया हूं करना क्या है। आओ, ये फितना है, यही फितना है। मुसलमान कहां थे, क्या क्या करके नबी सहाबा आगे बढ़े, हज किए, मौका दिए, उसके बाद हिजरत, हिजरत की कुर्बानियां, ये सारा पैगाम है मेरे भाइयों। कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब वाबिरु सबील, दुनिया में रहो एक राह गुजर और मुसाफिर की तरह। अगर तुम उसी में उलझ के रह गए, स्टेशन अच्छा लगा, ट्रेन से उतर के वहीं रह गए, डेस्टिनेशन में पहुंचोगे नहीं, आखिरत मंजिल तुम्हारी आखिरत है। ये दुनिया को बरतो, दुनिया में दिल मत लगाया करो, दुनिया को इस्तेमाल करो। ट्रेन स्टेशन, इसकी रंगीनियां, रानाइयां को इस्तेमाल करके तुम्हारा टारगेट आखिरत की कामयाबी की तरफ होनी चाहिए। याद रखो, इसीलिए कहा कि तुम सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत जानो बीमारी से पहले, अपनी फुर्सत की घड़ी को गनीमत जानो मसरूफ होने से पहले, और मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जान के उसकी तैयारी कर लिया करो मेरे भाइयों। यही मेरे लिए, आपके लिए आज का पैगाम है। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको इन कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह, जो हाजी लोग हज से वापस आ रहे हैं, अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा, उनको सही सलामत वापस ला, बिदात और खुराफात और शिर्क बरबरियत से बचा ले। इलाल आलमीन, जो वफात पा चुके, अल्लाह ताला उनको शहादत नसीब फरमाना, अल्लाह ताला उनके पसमानदागान को सबर देना, अजर देना, सारे मुसलमानों की जान माल इज्जत और आबरू दीन और ईमान अहलो आयाल की अल्लाह तो हिफाजत फरमाना। अल्लाह ताला जो बेरोजगार उनको रोजगारी नसीब फरमा देना, जो बरसरे रोजगार है अल्लाह ताला तो उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा देना। अल्लाह ताला जो लोग रिश्ते के लिए परेशान हाल हैं उनको खैर का जोड़ा नसीब फरमा देना, जो रिश्ते टूट रहे हैं उनको बहाल कर देना। अल्लाह ताला जो मकरूज हैं उनकी कर्ज की अदायगी के लिए रास्ता निकाल देना, बेरोजगारों को रोजगारी नसीब फरमा देना, बरसरे रोजगार लोगों की रोजगारी में बरकत अता फरमा देना, बे औलाद को औलाद का सहारा दे देना, साहिब औलाद के औलाद को नेक और सालेह बना देना, जो लोग हमारे उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा देना, हमारे रिश्तेदार और अकारिब जो वफात पाए अल्लाह तो उनकी बाल बाल मगफरत फरमा के जन्नतुल फिरदाउस के आला इल्लीगिन में ये जगह इनायत फरमाना, बस बंदगान को सबर देना, अजर देना, नेमुल बदल अता फरमा देना। अल्लाह सारे मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू दीन और ईमान अहल आयाल की हिफाजत फरमाना, हमारे मुल्क में वतन में अल्लाह ताला सुकून और अमान देना, अल्लाह यहाँ हर तरह के जो जुल्म और बर्बरियत उनको दूर फरमाना, सालिमों से अल्लाह तो काफी हो जाना, मुसलमानों को नेक बनाना, एक बनाना, अल्लाह ताला हर तरह के बिदात और खुराफात से महफूज रखना, फितने से अल्लाह ताला तो हमें बचा लेना। अल्लाह ताला जो कुछ मांगने से रह गया अपनी शान से नवाज देना, जब तक दुनिया में रखना ईमान और अमान के साथ रखना, खातिमा बिल खैर फरमाना, कब्र के सवालात में साबित कदमी अता फरमा के इलाल आलमीन तू कल हशर के मैदान में नबी के दस्ते मुबारक से पीना नसीब फरमाना, नबी की रफाकत और शफाकत के साथ अल्लाह ताला तू जन्नतुल फिरदाउस के आला इल्लीगिन में जगह इनायत फरमाना। आमीन वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همسه ونفخه ونفسه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। हाजरीन, फितना असल में किसको कहा जाता है? फितना दीन से दूरी को कहा जाता है। हर वो चीज जो हमें दीन से, ईमान से दूर कर दे वो फितना है, और इसी फितने में मुब्तला होके आज हमने अपना मकाम और वक़ार खोया है। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सूरतुल अनफाल में अल्लाह ताला ने गज़वाए बदर के हवाले से,
सूरह अनफाल में गज़वा बदर मुसलमान बेसर व सामानी के हालत में अल्लाह ने उनको ऊंचा मुकाम दिया, फतह और कामरानी नसीब फरमाई। फिर उसके बाद अल्लाह ने जो पैगाम दिया है वो पैगाम आयत नंबर 24 से लेकर 30 तक, आयत नंबर 24 से लेकर 30 तक आप मुताला करें। अल्लाह तबरक ताला ने पैगाम दिया ईमान वालों से खिताब करके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह उसके रसूल की पुकार का जवाब दो, अल्लाह उसके रसूल की पुकार का जवाब दो, अल्लाह उसके रसूल की पुकार में तुम्हारे लिए जिंदगी है, लिमा युहयीकुम, तुम्हारे लिए जिंदगी है। और आगे कहा कि तुम फितने से बच जाओ, फितने से बच जाओ, वत्तको फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, और उस फितने से बच जाओ जो फितना तुम में से सिर्फ खास लोगों को नहीं बल्कि हर एक को अपने लपेट में ले ले। आज ये बेदीनी के फितने की वजह से सारे लोग इसमें मुब्तला है, घर उजड़ रहा है, लोग गलत राहों की तरफ जा रहे हैं, उस फितने से बच जाओ। और उस फितने को नबी ने जो बताया हदीस में, अबू दाऊद की सही रिवायत है, कहा देखो इदा तबाया तुम बिल ईना, जब तुम क्रेडिट में कारोबार करने लग जाओगे, क्रेडिट कार्ड क्रेडिट 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 याद रखो, हाँ, जब तुम सूद और सूदी कारोबार करने लग जाओगे और दुनिया में मगन मस्त हो जाओगे, तुमको अल्लाह ताला जलील और रुस्वा कर देगा, सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्ला। कितने लोग क्रेडिट लिया है, कार्ड इस्तेमाल किया, छुपचे छुपाते फिर रहे हैं, जलील और रुस्वा है मुआशरे में। अल्लाह अकबर, नबी की बात, ये फितना है। कितने घर ऐसे हैं, रिपोर्ट है हमारे पास, हाँ, क्या किए, मुख्तलिफ तरह के चीजों में जाकर चीटी में यहां वहां पैसे ले लिए हैं, पैसा लेने के बाद अदा नहीं कर पा रहे हैं, यहां तक कि औरतों को गलत धंधे की तरफ ढकला जा रहा है, इसकी वजह से आज घर बर्बाद हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है, याद रखो ये फितना, वत्तको फितनत अल्लाह तुसी बन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, सिर्फ जो लोग जालिम उनको नहीं, अच्छे भले लोग भी इस फितने में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है इन आयतों को पढ़ें और फितने से बचें। और कहा के देखो अल्लाह का डर याद रखो, और फिर आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाह वर्रसूल, अल्लाह उसके रसूल के साथ खयानत मत करो। और याद रखो तुम कमजोर थे, अल्लाह ने तुमको क्या किया है, याद रखो अपने माजी को, उससे इबरत हासिल करो, अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत मत करो। और नबी को बताया गया कि लोगों ने आपको इस मक्के से निकाला, कत्ल की साजिश की, वही यम करो बिकल्लदीना काफारू, काफिरों ने यह किया आपको घर से निकालने, आपको कत्ल करने, कैद करने की साजिशें की है, वही यम करो ना वही यम करो अल्लाह अल्लाह खैरुल माकिरीन। कहा यह सारा पैगाम है मेरे भाइयों, आप कभी ठंडे दिमाग से सूरह अनफाल की आयत नंबर 24 से 30 तक पढ़ें और इस उमूमी फितने से बच जाएं, और ना इस फितने में सारे लोग मुब्तला हो जाएंगे, अच्छे भले लोग भी। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इबादल्लाह रहम रहमकुमुल्लाह, इन अल्लाह يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعظم قوموا للصلاة عباد الله أقيموا الصلاة